नाम अरविंदर सिंह, प्यार से लोग मुझे विक्की भी बोलते हैं। जब से कैरियर मैंने शुरू नहीं किया था तो जॉब करता था, बड़े बड़े सपने थे, ये करेंगे वो करेंगे, जॉब कहाँ तो छोड़कर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। कोई आम बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम फुल कुक बिजनेस है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर किया। हेलो, मैं कोई काम नहीं करता था, मेरा कोई बिजनेस नहीं था, मेरी जो जॉब थी मैंने वो छोड़ दी थी। मेरा फुल टाइम काम क्या था? नेटवर्किंग करने। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखी, हेलो, सिर्फ एक चीज, अगर ज्यादा पैसा बनाना है तो टीम बनानी पड़ेगी। ज्यादा पैसा बनाना है तो अकेले काम करके मैं पैसा नहीं कमा सकता। अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग होने चाहिए। ये चीज आपको भी सीखनी पड़ेगी। हमने एलईडी टीवी नहीं निकालने, सिर्फ हमने अपनी टीम भी निकालनी है। हमने एलईडी टीवी निकालने वाले लीडर क्रिएट करने हैं। yes. उनके नीचे लीडर क्रिएट करने हैं, उनके नीचे लीडर क्रिएट करने हैं। अगर आप सच में जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, खूब सारा पैसा चाहते हो, मैं भी अपनी जिंदगी में यही काम किया है। 23 साल हो चुके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में, सब 2000 में आया था। जब मैंने नेटवर्किंग शुरू किया था तो मोटरसाइकिल भी नहीं था। आज दुनिया की वो कोई गाड़ी नहीं है जो नहीं छोड़ी। आज दुनिया का कोई कंट्री नहीं है जिस कंट्री में नहीं घूमा। आज कोई ऐसे जगह नहीं है, बड़ी से बड़ी जगह भी परचेज की है, बैंक बैलेंस भी जोड़ा है, हर एक चीज प्राप्त की है। इससे ओनली एंड ओनली नेटवर्क मार्केटिंग से। और दोस्तों, आज आप ही के सहयोग से हमने उन प्रोडक्ट के साथ कंपनी शुरू करी है। आज इस कंपनी को 3 साल पहले शुरू किया है, उन दिनों शुरू किया है जब सभी लोगों के धंधे चौपट हो चुके थे, काम खत्म हो चुके थे। कब? जब कोरोना काल आया था। कोरोना काल में लोगों के काम बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, बड़े बड़े बिजनेसमैन उठ गए, लेकिन वही एक ऐसी इंडस्ट्री थी नेटवर्क मार्केटिंग जो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उन दिनों जो कंपनी शुरू हुई थी, लोगों की इनकम कम हो रही थी, आप लोगों की हम लोगों की इनकम बढ़ रही थी। आप बड़े लकी हो कि आप ट्रू ग्रोसरी की यहाँ के साथ मिले। इसमें मेरा साथ, मेरा साथी, मेरे पार्टनर प्रोफेसर के एस नागर जी, इनका बड़ा सहयोग है। ये जो प्लान आपके सामने दिख रहा है प्रोफेसर के एस नागर जी की देन है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। अगर आज ये मेरे साथ ना होते तो शायद मैं आज इस स्टेज पर भी खड़ा ना होता। जो मेरा भाई पिछले 22 साल 21 सालों से मेरे साथ है, 21 ईयर 23 साल में जो चुके हैं, 2 साल मिले गए, हम 21 सालों से कंटिन्यूसली मिलकर काम कर रहे हैं। सोचो कितना लंबा समय हो गया। लोग नेटवर्किंग को 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल करते हैं, छोड़ देते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 50,000 कमाते हैं, 1,00,000 कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, छोड़ देते हैं तो छोड़ करते हैं। लेकिन हम लोगों का साथ और हम लोगों की इनकम की कोई गिनती नहीं है। कोई लाख नहीं, कोई 10 लाख नहीं, कोई 50 लाख नहीं, कोई करोड़ नहीं, कोई 10 करोड़ नहीं, इससे भी कहीं ऊपर हमने पैसा कमाया नहीं। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। हेलो, ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसको हल्के में मत लेना। जितने जहां पर जंगल बैठे है ना, इसको एज ए कैरियर लो। हेलो, इसको एज ए कैरियर लो। कोई काम कोई धंधा नहीं करना, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, सिर्फ फ्रू ग्रोसरी टेरा करनी है। देखना आने वाले 2 साल बाद आप मुझसे खुद बोलोगे कि सर मेरा चेक 10 लाख का है, मेरा चेक 20 लाख का है, मेरा चेक 5 लाख का है। और बाद में बड़े क्या बोलोगे, सर मुझे मजा नहीं आ रहा, बहुत काम है, बहुत छोटा है। आप मुझसे ये बोलोगे। आज इस हॉल में जितने लोग बैठे, अगर कंटिन्यूसली लगातार इसको करते गए करते गए करते गए तो 2-3-4 साल में उनकी पुश्तें चेंज होगी। उनकी पुश्तें बैठ कर खाना खाएगी,
इसको हल्के में मत लेना दोस्तों, बहुत बड़ा करना। अभी तो हमने शुरुआत करी है, ये आईएमडी 11 आज छोटे मोटे ऑफर है। हेलो, ये छोटे मोटे ऑफर है। अभी लटका माओ गोवा भी जाओगे, आप थाईलैंड भी जाओगे, आप यूरोप घूमने भी जाओगे, आप वर्ल्ड टूर पर भी जाओगे, सारे काम करेंगे हम लोग। हेलो, आपके घरों में गाड़ियां भी जाएगी, आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, आपके घर में कोठियां भी बनेंगी, हर कुछ करने वाला है। आप देखते जाओ बस, आप जुड़े रहो, आप टिके रहो, देखना होता क्या कुछ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं ट्रू ग्रोसरी 13 के बारे में बताएंगे कि व्हाई टीजी 13, हमने इसको करना क्यों है। जहां पर एक छोटा सा एक कटा पुराना सा पेज लगा जहां पर लिखा है रेस्टोरेंट, उसका बिल बना है, जहां पर कोई पनीर भुर्जी, कोई दाल, कोई रायता, रोटी, सबका बिल बना 2400 रुपये। कितना? 1985 की बात है। 2400 रुपये में एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे जाके बड़े आराम से खाना खा लेते हैं। आज आप रेस्टोरेंट में जाओ तो एक दाल मंगानी हो तो कितना बिल बनेगा सोच लीजिए। 200 रुपये की दाल लेना, एक चपाती मंगानी हो ना तो 20 से लेके 25 रुपये की चपाती आती है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जब समझते हो है कि नहीं है? आज अगर आप सोचते ना 10-12-15-20 हज़ार के साथ आपका गुजारा दिखा तो नहीं होने वाला, जमाना चेंज हो चुका है। कहते थे हेलो कि जब 2020 आएगा ना तो 10 हज़ार के साथ गुजारा नहीं होना पाना, कम से कम 1,00,000 रुपये कमाना पड़ेगा। आज 2020 आ चुका है भाई, आप ऐसे कितने लोग हैं जो 10 हज़ार रुपये कमाते हो, कहेंगे कि भाई मैं अपना खुशी से रोटी पानी खाऊंगा, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास नौकर चाकर भी है, काम से काम मेरे पास काम वाले भी है, कोई है जहाँ पर आपके गेट में अगर अच्छी लाइफ जीनी है, अगर अच्छे घर में रहना है तो 1,00,000 रुपया मिनिमम अगर आपकी कमाई होगी तो आपका गुजारा होगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो आने वाले 20 साल बाद क्या होगा? एक और जीरो ऐड कर दो, 10,00,000 रुपया। हम बातें करते थे, सच्ची बोलता हूँ मैं, आप नागरा जी जब नए नए आए थे ना उन दिनों टेलीफोन नए नए मोबाइल फोन नए नए आने शुरू हुए थे, तब बातें करते थे, हवा में बातें होती थी कि इंटरनेट आएगा, टीवी पर फोटो आएगी, मोबाइल फोन में पिक्चर आएगी, हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, सुनते थे सुन। आज वो सब कुछ हो चुका है, यानी कि जमाना चेंज हो चुका है। जो मैं बात बोल रहा हूँ इसकी कीमत आपको 20 साल बाद पता, आप जॉब करके अपनी इनकम को 1,00,000 से 10,00,000 पर कभी नहीं पहुंचा सकते, बिजनेस करना पड़ेगा, गुजारा नहीं है। जब रहता बंद कर दीजिए सर, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड रेवोल्यूशन, तो जमाना था ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर जमाना आया पेट्रोलियम आया, फिर जमाना आया आईटी इंडस्ट्री आई, जमाना चेंज है। इसी को देखते हुए क्योंकि आज कंज्यूमर इंडस्ट्री है, आज दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई आदमी है ना जो लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करते हैं, घर में यूज होने वाले उन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आज का जमाना वो आगे जा रहा है। इसी ट्रेंड को देखते हुए 13 अक्टूबर सन 2020 को ट्रू ग्रोसरी 13 लॉन्च की गई। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए गए क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी थी, जल्दी जल्दी बताऊंगा। हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रू जैकेट्स, ये भी बड़ा शानदार है, जैसे आप लोग उसके ऊपर काम करते हो नेक का फूटा कोडी, ये वैसा ही एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या क्या है? ये सारी ब्लू बैरी है, ब्लैक बैरी है, गैरो डरना है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, इतनी सारी चीजें खाने की बजाय अगर आप सिर्फ ये जेंटल्स के दो कैप्सूल ही खा लो तो ये सारी चीजें आपके अंदर जाएंगी। हेलो, ये आपकी इम्यूनिटी को, जी आपके मेटाबॉलिज्म को, हर एक चीज को दूर करता है। इससे बड़ा सा रिजल्ट है, पाइल्स के ऊपर रिजल्ट आया है, जिनकी शुगर थी उसके ऊपर रिजल्ट आया है, बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है जी। इसके अलावा एडिलीफ, हेलो, आप जितना ज्यादा नशा इंडिया में फैल चुका है आपको पता ही है, पंजाब के अंदर कितना नशा फैल चुका है आपको पता ही है,
कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो आज के लड़के लड़कियां नहीं ला रहे, लड़के छोड़ो लड़कियां भी ला रही, और वो छोड़ने पर नाम नहीं ले रहे। जिसके घर में एक भी बंदा नशे वाला आ जाए, बच्चा आ जाए ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो घर नर्क बन जाता है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है एडिजी, जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसके अंदर वो सारी चीजें पड़ी है जिसको लेने के बाद बंदे का दिल ही नहीं करता कि मैं नशे को यूज करूं। बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको जरूर यूज किया जाए। जब जो बंदा नशा करता है उसको आपने ये एडवाइस देनी है। और इसके बाद हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो आपको अपनी अपलेंस से पता चलेगा। ट्रू ग्रोसरी 13 ने एटी के विपरीत खुद के प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसके अंदर पर्सनैलिटी है, जिसके अंदर हेल्थ प्रोडक्ट भी है, पर्सनैलिटी के प्रोडक्ट भी है, शैम्पू है, क्रीम है, हर एक चीज आपको मिलती है। आप पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, उसके घर में यूज होने वाली हर एक महीने जो चीजें वो यूज करता है, आप जहां से ले सकते हो और अपनी टीम को भी रेफर कर सकते हो। हेलो, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रीमियम मास्टर प्रोडक्ट जिसके बारे में आज डॉक्टर चावला जी ने आपको बताया। हेलो, ट्रू लेक्टिन, ट्रू प्रोटीन, ट्रू फ्रूटा, एक आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर हमें ये प्रोडक्ट ना मिलता तो शायद हम लोग प्रूफ रोटी 13 कंपनी शुरू भी ना करते। हेलो, सच्ची बोलता हूँ, अगर ये ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा, ट्रू प्रोटी या डॉक्टर चावला जी, डॉक्टर नंदा जी हमें ना मिलते तो हम प्रूफ ग्रोसरी कंपनी शुरू ही ना करते। दो दिन तक मैं नागरा जी, डॉक्टर चावला जी, डॉक्टर नंदा जी के पास बैठे रहे, दो दिन रात आपने तो एक घंटा दो घंटा डिस्कस की होगी ना, हम दिन रात दो दिन उधर खाया पिया, उधर ही सोए थोड़ी देर, होटल में गए, फिर शुरू। उसके बाद एक और डॉक्टर जिनके साथ बैठे, और दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा, दुनिया की ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो हमने उनसे नहीं पूछी। पूरी तसल्ली करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट डॉक्टर साहब आज के बाद आप किसी और को नहीं बेचेंगे, जब बिकेगा तो सिर्फ ट्रू ग्रोसरी 13 के अंदर बिकेगा। ये नहीं था कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे लिए बना था। हेलो, 17 साल से ऑलरेडी ये प्रोडक्ट, हेलो 17 सालों से ये प्रोडक्ट ऑलरेडी वो अपने पेशेंट को दे रहे थे, प्लेयर्स को दे रहे थे, हर क्लबों में जाना था, पेशेंट को जाना था। और जिस दिन के बाद हमारे पास आया, सिर्फ ट्रू ग्रोसरी की टीम ही इसकी मैनेजमेंट कर सकती है। एक बार जोरदार तालियां से, ये प्रोडक्ट के बारे में लिखा है जिसकी पूरी जानकारी आपको डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी दे दी, मेरी जरूरत है। ये सारे की सारी जो मशरूम्स हैं इसके अंदर पड़ती है, जिसकी ऑर्डर आ चुकी है, चीजें तो हम बाजार से भी लेते हैं, जहां से ट्रू ग्रोसरी 13 से क्यों लेनी है? सवाल ये, आज एक पेस्ट बनती है, पेस्ट की कीमत 40 रुपए की, 30 रुपए की होती है, हमारा तक आते आते वो 60 की हो जाती, 70 की हो जाती, 100 की हो जाती। हेलो, एक कोल्ड ड्रिंक है 10 रुपए की बनती है, हमारे तक आते आते वो 40 की 50 की हो जाती है। ये बीच का पैसा जाता है कहाँ पर है? ये 60-70% पैसा बीच के लोगों पे जाता है, दुकानदारों को, होलसेलर को, जितने भी बीच में ये आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह वगैरह, इन लोगों के अंदर ये पैसा बढ़ जाता है। नेटवर्किंग क्यों शुरू की थी? कि जो बीच का पैसा है 60-70% उनको ला जाके, दुकानदार को ला जाके सीधा आपकी जेब में आता है। हेलो, प्रोडक्ट की पहुंच वही है, लेकिन आप तक आते आते जो पैसा गुम हो गया था, वो पैसा अब आप उस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो वो पैसा आपकी जेब में आ रहा है, पैसा आपकी जेब में। ने जब अपना प्लान शुरू किया तो ये
9-10 तरह की इनकम आपको दे दी थी, जो बीच का पैसा था उसने बड़े तरीके से आपके अंदर डिवाइड करना शुरू किया। वो कैसे कैसे दे रही है, रिटेल प्रॉफिट के रूप में, सन परचेज के रूप में, टीम सेल्स के रूप में, एलडीबी पॉइंट के रूप में, सुपर किंग के रूप में, स्पॉन्सर एक्टिव इनकम के रूप में, कार फंड के रूप में, हाउस फंड के रूप में, एनुअल रॉयल्टी फंड के रूप में, कैसे कैसे देती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना ताकि जब आप किसी को बताएं तो आपको अपनी अपलाइन को बुलाना ना पड़ेगी। हेलो, आप खुद बता सकें, आप ट्रेंड हो जाएंगे ना, काफी कहने अगर आपके हाथ में होगा आप बादशाह होंगे। मेरा समझे, पहले इनकम रिटेल प्रॉफिट अप टू 50%। हेलो, अप टू 50%। इसका एमआरपी का और डीपी का जो ऊपर प्राइस लिखा होता है और जिस रेट पर आपको मिलेगी, इसका कम से कम इनको 10%, 15%, 20%, 50% तक डिफरेंस है। ये पैसा आप कमा सकते हैं, ये प्रॉफिट आपका है। यानी कि अगर 100 रुपए का एमआरपी प्राइस है तो हो सकता है कि वो चीज आपको 60 रुपए की मिले, समझे बात को। तो ये बीच का डिफरेंस आपको मिलेगा। आप 3000 का राशन लेकर आते हो, प्रोडक्ट लेते हो सकता कि वो आपको 2000 रुपए में मिल जाए, सस्ता मिलेगा ना मार्केट से, तो ये आपका बेनिफिट हो गया पहला। दूसरा बेनिफिट, सेल्फ परचेज 10% कंपनी देती है टीवी का। कुछ लोग हम में से ऐसे बैठे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम लोग नेटवर्किंग नहीं करेंगे। हेलो लीडर्स, इसको ध्यान से सुनेंगे, आपको मार्केट में या आप लोगों को मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि सर मैंने नेटवर्किंग नहीं करनी, लेकिन हाँ मैं आपका प्रोडक्ट लूंगा और इसको मार्केट में जाकर बेच दूंगा, मेरे को क्या मिलेगा बताओ। तो उसके लिए बेनिफिट क्या है, 10% उसको एमआरपी डीपी के डिफरेंस के अलावा भी उसको 10% टीवी का ओवर दिया गया कि आप नेटवर्किंग नहीं करनी, ना करो, जितना भी आप सामान 1,00,000 रुपए का, 2,00,000 का, 5,00,000 का, 10,00,000 का बेचोगे उसके जो टीवी बनेगी उसको अगर आप अपने आईडी के ऊपर डालोगे तो उसके बदले में 10% आपके घर पर है। यानी कि 1,00,000 का माल है तो 10,000 रुपया, 10,00,000 का है तो 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा। थर्ड पॉइंट, जहां से शुरू हो जाती है हमारी नेटवर्किंग, इसको ध्यान से सुनना, मैं यही पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि आपको कितनी इनकम आएगी। हेलो, ध्यान से सुनिए इसको सारे जगह। नेक्टर फ्रूटा, ये दो प्रोडक्ट है, अगर आप इसकी एक इकट्ठी परचेजिंग करते हैं, जब उसको सेल करते हैं, कितने टीवी के साथ, 26.26 इस पीवी के साथ अगर आप इसको सेल करते हैं तो इसके साथ हमने एक डायरेक्ट इनकम शुरू करी है। हमें से बहुत सारे 10 मिनट ला रह गया, जिन्होंने इस महीने बड़ी खूबसूरत इनकम क्लास ली है। 2626 ज्वाइनिंग करते हो तो आपको डॉलर का 813 रुपये आपके अकाउंट में सीधे आ जाते हैं। आप उठिए, उठने के बाद आप बोलिए कि सर मैं निकला हूं और आज मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, सिर्फ नेक्टर फ्रूटा निकाल कर घर आऊंगा एक दिन में, तो शाम को आपकी जेब में 800 रुपया आ गए तो क्या काम है, घर के सारे खर्चे निकल गए। इसको तो लड़कियां भी कर सकती हैं और बंदे भी कर सकते हैं। अगर शाम को 800 रुपया कमा के आप घर जाओगे तो फिर बंदा नहीं बन जाएगा कि बीवी रोटी बना, आप उसको बोलेंगे कि चल भाई तेरे को रोटी मैं बाहर से खिला के बुलाती हूँ आज। यार अगर ताली मार दिया तो फिर के मारा करो। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रू प्रोजेक्ट कैसे करना है, कैसे करना है। डायरेक्ट इनकम 2626 टीवी के साथ करते हैं, 1% को अगर हम जोड़ते हैं तो 813 रुपये। दूसरे को स्पॉन्सर कर दिया फिर 813 रुपये, यानी कि अगर आप 1 को करोगे तब भी 813, 2 को करोगे तो 1600, जितने करोगे आप उतने 10 डायरेक्ट कर दोगे किसी भी साइड पे, किसी भी साइड पे आपने 10 कर दिए, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, कुछ बना नहीं बना, आपके घर पर 8000 रुपया आ गया। आगे बढ़ते हैं,
यू कैन अवेल दिस बेनिफिट अनलिमिटेड रख, चाहे आप 100 मार दो, 1000 मार दो, 1,00,000 मार दो, जितने ज्यादा बचोगे उतनी कमाई आपकी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्किंग में इसका क्या इस्तेमाल है, क्योंकि हम एक तरह की इनकम नहीं देखते, हम बड़ी तरह की देखते हैं। जैसे मैंने बोला था 3 सेल्स पॉइंट्स, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी तीसरी इनकम, डायरेक्ट इनकम, एक साल में आपने 1% थोड़ा मान लीजिए कि मैं बाहर निकला, मैंने बाहर जाके मैडम जी के साथ बातचीत करी, इनको बोला भैया आपको लैपटॉप उठा देना, आप ठीक हो जाए, इन्होंने कहा जस्ट मैं लेती हूँ, इन्होंने लिया, इनकी एंट्री मैंने अपनी एक साल बता दी, मेरी जेब में आ चुके रहा हूँ। मैं फिर अगले दिन गया, मैंने मैडम के साथ बात की, इन्होंने कहा जस्ट मैं लेती हूँ, इनकी एंट्री मैंने दूसरे साल लगा दी, मुझे 813 इधर से आ गए, 813 इधर से आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते, ये तो आ गए, पर मेरे लेफ्ट में भी 1% जुड़ गया, राइट में भी जुड़ गया, मेरे को कितना पैसा आ गया, 2 डायरेक्ट लगाए 1626 रुपये, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है 813 813, और साथ में मुझे 3 सेल्स बोनस भी मिल गया, क्योंकि इन दो लोगों को जोड़ने के पैसे अलग से मिल गए, वो तो आए ही आए, वो कितने आए 300 रुपये। मुझे टोटल आ गया 1926 रुपये। बात समझ में आई, मैंने 4 लोगों को कराया, 1,00,000 कराए, एक इधर। आगे बढ़ते, मैंने 10 डॉक्टर लेफ्ट कर दिए, 10 लेफ्ट में जोड़ दिए, 10 राइट में जोड़ दिए, मेरे को 16,000 रुपया तो एक आ गया, साथ में 3 सेल्स बोनस का मेरे को 3,000 रुपया अलग से आ गया, 10 बंदे डायरेक्ट किए, हेलो ध्यान से, हेलो 10 बजे डायरेक्ट किया, हमारा बिजनेस कितना बन गया 26,260 की। और कंपनी क्या बोलती है, जब भी आपके नीचे 25,000 पीवी की मैचिंग हो जाएगी, जैसे अभी जितने लोगों ने ये एलईडी टीवी चीज किया है, इन्होंने 25,000 पीवी की मैचिंग की होगी, उनको एलईडी टीवी तो मिला ही मिला, साथ में ये इनकम भी मिली। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं, जैसे डायरेक्ट इनकम 20 डायरेक्ट लेफ्ट कर दिए, 20 राइट कर दिए, तो 32,000 रुपया आपको मिलने वाला, साथ में 3 सेल्स बोनस का 6,000 रुपया आपको मिलेगा, पहले 3 का काम डबल हो गया, 6,000 रुपया मिलेगा, और साथ में 2 एलडीबी पॉइंट, पहले 1 एलडीबी पॉइंट बना था 25,000 पीवी का, अब आपका धंधा हो गया है 50,000 पीवी का, आपको 2600 की अलग से मिल गई, और साथ में एक और इनकम मिल गई सुपर की बोनस, चौथी इनकम। क्या बात, तालियां जोरदार मार दो भाई। टोटल इनकम की बात करूं, अगर आप 20 लेफ्ट 20 राइट मारते हो तो 43,500 रुपए आपको मिलते हैं। आगे हमारा एक और प्रोडक्ट है, ये तो था नेत्र फूटा, इसके बाद हमारा एक और प्रोडक्ट आता है जेंटिस प्लस प्लस, जिसके बारे में मैं पहले बता ही चुका हूँ, बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे, पहले था वो नेत्र फूटा, अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे तो कितनी इनकम आएगी मैं आपको मोटी बताऊंगा। आप सुबह घर से बाहर निकले, 1% को अगर आप दिन में एक जेंटस प्लस प्लस का कंबो दे देते हो, तो सिर्फ एक कंबो बेचने की आपकी जो कमाई है वो 1,313 रुपये है। समझ गए बात, डॉक्टर गुप्ता की निकाली उसकी अलग है, जेंटस प्लस की निकाली उसकी अलग है, आपने 20 लेफ्ट कर दिए, 20 राइट कर दिए, जेंटस यानी कि 20 एक तरफ भेज दिए, 20 एक तरफ भेज दिए, आपको 52,000 भी आएगा पहला, आपको जो पॉइंट आने हैं 3 सेल्स के उसके आएंगे 3,000 रुपया,
इसके बाद एक एलटीपी पॉइंट भी बन गया, 1300 रुपये उसका आ गया, जाने के टोटल 56,000 रुपये आपकी जेब में आ गए। मेरी बात पीछे वाले लोगों को समझ आ रही है? हेलो, जिसको समझ आ रही है एक बार आप करेंगे, मैं ये ना होकर मैं वैसे ही बोलता रहूँ, आपकी समझ में आई पूछना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। डायरेक्ट इनकम 3939 PV, जिसके बारे में मैं अभी बता के रहा हूँ। अगर आप 3939 PV के साथ किसी पर्सन को ज्वाइन करते हैं, आप कम्बो बना सकते हैं, नेगेटिव रुपया का साथ में जेंटिस का। नेगेटिव रुपया आ गया 2626 PV, और साथ में अगर जेंटिस प्लस प्लस ऐड कर दिया 1313 PV, टोटल कितने हो गए 3939 PV। अगर आप इसके साथ आप किसी भी पर्सन के पास जाओ, उसको बोलो भैया मैं तेरे को हेल्थ कम्बो देता हूँ। हेलो, आप किसी पर्सन के घर पर जाओ, उसको बोलो सर मैं आपको हेल्थ कम्बो देता हूँ, पूरी फैमिली का पैकेज। आपको दो जेंटिस भी मिलेंगे, साथ में आपको नेगेटिव रुका भी मिलेगा, बच्चों को दो कैप्सूल खिलाइए 120 कैप्सूल होंगे, और आप 20-20 बूंदे नेगेटिव रुका के पीजिए, आपके 2 महीने आराम से पूरी फैमिली के निकलेंगे, दो बच्चों के मियाँ बीवी के। तो 3939 PV के साथ अगर आप ये कम्बो देते हो, तो आपको एक एंट्री पर अगर आपने एक बंदे को जेब पैकेज दे दिया, 2126 रुपये आपकी जेब में आने वाला। डायरेक्ट 1,00,000 4,500 रुपये आपकी जेब में आ गया। आगे चलते हैं, 3 सेल्स बोर्ड का 450 रुपया अलग से आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट राइट करते गए, 20 डायरेक्ट आपने लेफ्ट में किए, 20 डायरेक्ट आपने राइट में किए, 85,000 रुपया आपकी जेब में आ जाएगा। और 3 सेल्स बोनस का 9,000 अलग से आ गया। क्या बात, 3 LTP पॉइंट बन गए, 4,000 रुपया आपको उसका आ गया। सुपर किंग का 1 पॉइंट बन गया, 2413 रुपया आपको उसका आ गया। और टोटल मार लूं तो 1,392,000 रुपया। पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पैसा कमाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। हेलो, पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं है, पैसा कमाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कार फंड के रूप में एक और इनकम देती है, इसको हम रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं। काम करते करते आपने पहले महीने 1,00,000 का काम किया, दूसरे महीने 3,00,000 का काम किया, चौथे महीने 5,00,000 का किया, आप प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, जब भी आपका 13,13,000 पीजी का काम हो गया, चाहे आप 1 महीने में कर दो, चाहे 6 महीने में कर दो, चाहे 1 साल में कर दो, जब भी हो गया कंपनी की ओर से आपको 2.5% रॉयल्टी मिलनी शुरू होगी। अगर आप 3939 PV की 324 सेंट्री निकाल दें लेफ्ट राइट में, तो आपकी रॉयल्टी बढ़ जाती है। 2626 PV की अगर आप सिर्फ 5 सेंट्री निकाल दें, तब भी आपकी रॉयल्टी लग जाती है। अगर आपकी रोटी लगी तो सारी जिंदगी आपका किचन का खर्चा कंपनी का लगेगी। जितना का खर्चा आता ना, उतना का आपको कंपनी की ओर से भेजना। जब रोटी की टेंशन खत्म, तो बंदा बंदा आगे सोचता हूँ गाड़ी कैसे लगी, अब बंगला कैसे बनाना है, अब ज्यादा पैसा कैसे बनाना है। रोटी के लिए बंदा भागता है, रोटी की चिंता हम खत्म कर देंगे। आप लोग 13,13,000 रुपये की मार दो रोटी की खर्चे। आगे बढ़ते हाउस फंड, इससे भी कंपनी आगे बढ़ती है। हाउस फंड के रूप में अगर आप 1,31,00,000 पीवी का बिजनेस करते हैं, तो कंपनी की टोटल टर्नओवर का 2.5% आपको मिलना अलग से शुरू रहेगा। 2.5% मंथली एंड 2.5% एनुअली, टोटल 5% रॉयल्टी बनेगी। और आज के डेट में बता दूं, जो बंदे इस लेवल के ऊपर इस वक्त खड़े हैं, उनकी मंथली जो रॉयल्टी बनती है मिनिमम 75,000 से 80,000 रुपया है। तो जल्दी से जल्दी आइए और इस लेवल को अचीव कीजिए। तो कितने लोग हैं जो इस लेवल को अचीव करेंगे, एक बार हाथ खड़ा करें, बाकी क्या नहीं करेंगे, कितने लोग हैं?
जिस लेवल पर चीज करेंगे, कोशिश करो। मेरा मानना है कि जो बंदा चल पड़ेगा, निकल पड़ेगा घर से, वो इसको पूरा जरूर करेगा, चाहे धीरे धीरे करे, लेकिन जो करेगा, जो चलेगा, वो पूरा जरूर करेगा। जो चलेगा ही वो जिंदगी में कभी पूरा भी नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, पर ये हमारी कंपनी के लैवल है, जितने भी लैवल है, ठीक है। आज इस लेवल पर जहाँ पर ये जो लेवल है रोल लेवल ये वाला, इसके ऊपर आज इस हॉल के अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं, इंद्र बहादुर गुप्ता जी जिस खड़े होंगे, आगे बढ़ते। ये कंपनी का खूबसूरत प्लान आपके बैंक फ्यूचर के लिए, आज हजारों लोगों ने इसके अंदर अपनी जिंदगी को चेंज कर दिया, लाखों के कमा रहे। दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई लाइन है तो वो मार्केटिंग लाइन है। इस बात को अपने दिमाग में बना लो सारे, हेलो सारी टीम, इस बात को अपने दिमाग में बना लो कि दुनिया में अगर कोई लाइन सबसे बड़ी लाइन है तो वो मार्केटिंग लाइन है, और उससे भी बड़ी कोई लाइन है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की लाइन है जो आज आपके सामने रखी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अपनी बात को जय पर माइंडर करूँगा, क्योंकि मेरे बाद बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी आने वाली है जो अपनी बात को रखेगी, और इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।